نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد اور بے حد ثنا، اس کی تعریف اور اس کے حبیب نبی علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات اور آپ کے آل اصحاب پر نبی درود و سلام، انتہائی عزت کے لائق اور انتہائی محبت کے لائق میزبان محفل حضرت علامہ مولانا الحاج قاری خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہ القدسیہ، جناب محترم مجددی صاحب محفل میں موجود، حضرات علماء کرام، برادران دین و ملت، قابل احترام اسلامی اور دینی بہنوں، عزیز بچوں، آپ نے بڑے خوبصورت خطابات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کے حوالے سے سماعت فرمائی ہو، میری شب بیداریوں اور علالتوں اور سفروں کی لقاحتوں کی کہانی اپنی جگہ اور ربیع الاول شریف کی سہانی گھڑیوں کی عظمت اپنی جگہ، ہمارے جیسے لوگ تھکتے ٹوٹتے منزلوں پر پہنچتے رہے ہیں لیکن محمد عربی کی صلاح جاری ساری رہتی ہوں، راتیں بھی اور دن بھی، لمحے بھی اور دقیقے اور ساعتیں بھی میرے حضور کی حسن و جمال کے ناتیہ زمزمے ہزاروں میں بکھیرتے رہیں گے، آپ کے ذوق شوق، آپ کی محبت، پیار کو دیکھ کے لگتا ہی ہے کہ یہ خطاب آرڈم کی کسی رات میں نہیں ہو رہا بلکہ پرشباب دن میں ہو رہا ہے. زندگی ساری قرآن حکیم فرقان مجید کی خدمت میں گزری لیکن آج ذوق تھوڑا بدلا ہے اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کو حضور کی حدیث سناؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قول کی روشنی میں
हम अपने मंजिल के बहुत सारे तकाजों को छुए और हम अपने आका को याद भी करें और उनकी खूबसूरत जिंदगी और उनकी पुरजमाल हयात को हमेशा राह बनाकर अपनी हकीकी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। हुज़ूर अहमद आलम सलसलम के सहाबा के काफिले में एक जलीलुल कदर हस्ती गुजरी है, हज़रत उकबा इब्ने आमिर, उनका इस्मे गिरामी है। ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माँ की तरफ से भाई हैं। इन दोनों के वालिद अपने अपने हैं लेकिन माँ एक ही है। अगर आप मक्का शरीफ से मदीना की तरफ सफर करें तो रास्ते में एक वादी है, अल्लाह ताला का करम कि इस फकीर को मक्का से मदीना तक पैदल सफर की शहादत हासिल हुई है। राहों के संगरेजों को चूम के मदीना तो नूर की तरफ बढ़ा हूं। यहाँ तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती है, आम लोग उसको कदीब पढ़ते हैं लेकिन उसका तलफ्फुज़ है वादी कुदैद। ये आज भी कल की तरह एक कस्बा है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उकबा इस शहर के रहने वाले थे। इनके सीनों में ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई ऐसा माहौल तलाश किया जाए कि कोई ऐसी हस्ती मिले जो इन असनाम और बुत परस्ती की जो तहजीब है इस पर चोट मारे। वजह यह है कि एक दिन इन्होंने अपने बुत के चरणों में मक्खन चढ़ावा चढ़ाया और उसको बिल्ला खा गया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने एक लंबा कसीदा लिखा और फरमाया कि वो खुदा भी क्या खुदा है जो बिल्लों से अपने मक्खन को ना बचा सके। तो ये दिल में नफरत पैदा हुई असनाम और बुतों की तहजीब के खिलाफ, भाई को भेजा यानी उकबा को कि जाओ मक्का में फिजा बदली है, हालात बदले हैं, मौसम बदला है, रंग बदला है, पहले खजा थी अब बहा महसूस होने लग गई है। इसलिए कि लगता कुछ ऐसा है कि पहले आसमान के सितारे चमकते थे तो उनके नूर से जमीन धो दिया होती थी, लेकिन हम मक्का की तरफ देखते हैं तो पता नहीं क्या हुआ है कि मक्का से कोई रोशनी उभरती है और वह आसमान को नवाजती चली जा रही। दरअसल आपको मौलान ताजदारे नबूवत अलैहि तहियतु सना की मीलाद की ये बरकतें थीं कि हुजूर की विलादत हुई तो रोशनियां और उजाले और सुबहों के सवेरों से ज्यादा ताबिंदा और तरशिंदा रोशनी मशरक से मगरब तक फैल गई। हजरत उकबा तलाश करते करते इस वक्त मक्का पहुंचे तो पहले हरम में काबा का तवाफ किया, लेकिन यहां जो चाहते थे न मिला कोई, और ढूंढते ढूंढते एक टिब्बे और टीले पर जिस वक्त आप पहुंचे तो वहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर हुस्न और जमाल के साथ जलवा फरोश थे। आपके दाएं तरफ एक शख्स था और बाएं तरफ भी एक शख्स था, एक में तदब्बुर और मतानत और संजीदगी और वकार और तमकनत और जहां दीदगी जैसे जमाने के सारे तजर्बा इस शख्स को दे दिए गए हो, और बाईं तरफ देखा तो एक शख्स जिसके जज्बों में से पास तशक्कुर वारफ्तगी वालिहाना अंदाज और इश्क की इंतहा, वो दोनों खड़े हैं। अब उकबा इब्ने आमिर ने देखा कि इनमें से सबसे ज्यादा हसीन कौन है तो उसने देखा दरमियाना जो शख्स है, कभी वो चेहरे को देखते कभी आसमां को देखते, वक्त दिन का था इसलिए सूरज मौजूद था
और बाद के जमाने में वो कहते थे कि मैंने जब पहली दफा चेहरा देखा मोहम्मद अरबी का तो मैंने महसूस किया कान्ना शम्स तजरी फी वजही के जैसे आसमान का सूरज उतर करके इनके चेहरे में आ गया। शम्स तजरी फी वजही और कहते हैं कि मैं साइल बनकर सामने खड़ा हुआ और हदीस शरीफ पढ़नी हो तो मुस्लिम में मौजूद है। मेरा पहला सवाल ये था कि मम्मा का अला हाज़ल अम्र, मैं महसूस कर गया हूं कि आपकी दावत में तौहीद भी है, आमाले सालिहा भी है, आप एक ऐसे शख्स हैं जो साहिब हाल भी हैं और साहिब सीरत भी हैं और साहिब कमाल भी हैं और साहिब जमाल भी हैं। आपका चेहरा देखो तो विस्म से जिस्म से हर चीज में बुलंदी और शहामत नजर आती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो दावत तौहीद अपनी जबान से बखेरी है और इस्लाम का आपने परचम पकड़ करके मक्का शहर का माहौल बदला है, आपके साथ कौन कौन है आपको मानने वाले? मेरा एक लफ्ज सुनना, अपनी शराफत कभी खराब न करना, इंसान अपने साथी से पहचाना जाता है। मेरी आज की तकरीर का पहला दर्स आपके नाम ये है कि इंसान बड़ा हो या छोटा हो वो अपने साथी से पहचाना जाता है। इंसान का दोस्त उसकी पहचान होती है। अबू बकर के साथ देखना चाहो तो मोहम्मद अरबी है और मुस्तफा को देखना चाहो तो साथ से दीन के अकबर है। वज्जहुल करीम है, इस हयात को और इस जिंदगी को खजफ रेजे तसव्वुर ना करो और इस हयात को फीकर और रेत के जर्रे तसव्वुर ना करो। ये हयात इंसान को एक ही दफा मिलती है, इसको घूम घूम के गुजारो तुम्हारे दिल की धड़कनों में, तुम्हारी सांसों की आमदोरफ्त में, तुम्हारे जानियों में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारी अदाओं में। अगर मेरे मोहम्मद अरबी आ गए तो तुम कामयाब हो गए, लेकिन अगर अपने जाहिर बातन में मुस्तफा को न बसा सके तो ये महरूमी आज भी बायस हसरत कल भी बायस हसरत। सलाम तुमको कि जिनकी जबानों पर मेरे मुस्तफा पर दरूद और सलाम निकला, इसलिए कि दुनिया में इश्क का वजीफा भी मुस्तफा है और अक्ल का वजीफा भी मोहम्मद अरबी है। ये नामी कादर साहब ही का आपके साथ कौन कौन है? मेरे मुस्तफा ने नाम ने बताया कि मेरे साथ कौन है, हुजूर ने नाम ने बताया, हुजूर ने इशारा किया कि हुर्रुन व अब्दुन, हुर्रुन व अब्दुन, हुजूर ने कहा आजाद और गुलाम। ये दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक थे और बाएं तरफ बिलाल खड़े थे, हुजूर ने कहा हुर्रुन व अब्दुन। अच्छा सवाल, हुजूर ने नाम क्यों ना लिया? नाम इसलिए ना लिया कि अगर नाम ले लेते तो कोई बंदा कह सकता था सारी जिंदगी दो ही कमाए। हुजूर ने कह दिया हुर और हब, इस कारगाह हयात तक कयामत तक जितने भी आजाद पैदा आजाद माओं के पेटों से लोग जन्म लेंगे पर मैं वो भी मोहम्मद का तराना पढ़ेंगे, जो लोग गुलाम होंगे और सिसकती जिंदगी गुजारेंगे उनको जालिम साम्राज्य जंजीरों में कस लेंगे और गुलामी की चक्कियां उन पर कसी जाएंगी। लेकिन अगर बिलाल गुलाम होगा तो उसको तख्ते अंगारों पर घसीटा जाएगा, लेकिन कभी अहद कभी मोहम्मद का वजीफा वो न छोड़ेगा। और फिर इसका एक माना ये भी है जिसको गौर से सुनो कि दुनिया में बाज मजहब दौलत से पैदा होते हैं, बाज सुल्तानी से पैदा होते हैं, बाज असर रसूख से पैदा होते हैं, बाज माल की तजारियों से पैदा होते हैं
और जब माल की तजारी खत्म, मजहब खत्म, जब सुल्तानी खत्म, मजहबी मजहब खत्म, मेरे मोहम्मद अरबी ने कहा आजाद और गुलाम यानी बादशाह बन के सिद्दीक अकबर आएगा फिर भी मेरा ही नारा लगेगा, और अगर मुसाफिर हुसैन कर्बला में उतरेगा शहीद हो जाएगा लेकिन मोहम्मद का बदन सर लगू नहीं होने देगा। थकावट भी है लेकिन मैं कहता हूँ कि जिंदगी की मशीन जब तक चलती है मेरे मुस्तफा का जिक्र होता रहे। आना जाना ये मेरा नहीं है, ये उनका है। जब है ही उनका तो जब तक आ जा रहा है चल रहे हैं, लेंगे ना अपने आका का अपने मुस्तफा करीम का। समझो आजाद गुलाम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यार लॉजिक थी सिर्फ अकल, जो बात अकल के मीजान पर पूरी नहीं उतरती थी, लोग जज्बों के कदरदार न थे या सिर्फ जज्बे थे और अकल नहीं थी, लॉजिक नहीं थी। मेरे मुस्तफा ने आकर दावत दी, अगर अकल का कमाल देखना हो फिर भी सूए मोहम्मद देखो, और अगर इश्क का कमाल देखना हो फिर भी जमाल मोहम्मद को सुनो। निशान इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकल, फिक्र, लॉजिक, फलासफी और हिकमत और इल्म और इरफान सबकी दावत को आम किया और फिर जज्बात की भी कदर की। बल्कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बड़े मीठे तरीके से बाजों का जज्बों के साथ बह गए, और फिर जिस वक्त लोग डूबने पे आए तो हुजूर ने अपनी बाहों पर उठा दिया और उनको सहारा सहारा दे दिया। मेरे दोस्त आओ इसकी एक मिसाल हदीस से दूं। ख्याल मेरा है कि आपने ये हदीस कभी सुनी ना होगी, और अगर सुनी होगी तो जो लज्जत मैं आपके नाम कर रहा हूं आज की महफिल आइए मैं आपको बताता चलूं कि हुजूर ने छोटों को बड़ा अपनी बाहों पर उठा कर दुनिया में हजारों रिफॉर्मर्स हैं, बड़े लोग आए हैं लेकिन उनकी जाती जिंदगियों को सूंघो तो वो दूसरा आदमी अपने जैसा नहीं पैदा कर सके। मेरे मुस्तफा का कमाल ये है, कहीं नजर की तो सिद्दीक बना दिया, कहीं कौल तकसीम किया तो उमर बना दिया, और कहीं दिल की खैरात दी तो अली बना दिया, कहीं कुरान का फैजान बांटा तो उस्मान बना दिया, कहीं आपने गुजरी छाड़ी तो अबू जर बन गए, कहीं और इनायात के दरवाजे खोले तो बिलाल बना दिया। आसमान पे इतने सितारे नहीं है जितने मुस्तफा की दहलीज से प्यारे पैदा हुए हैं। अहज़ाब जब हो रहा है और तदबीर ये ठहरी के खंदक खो दी जाए, तो रहमत आलम सल्लम अपने गुलामों के साथ खंदक खोदने में मशहूर, और एक साइड पर देखा तो एक छोटे कद का शख्स जिसका कद इतना बड़ा नहीं, वो अपने कुदाल के साथ लगा हुआ है और तेज 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 वो मट्टी निकाली जा रहा है और मट्टी पीछे फेंके जा रहा है, न दाएं तवज्जो न बाएं तवज्जो, न आगे देखना न किसी को पीछे देखना। अच्छा शायद फितरत ने उसके बचपने में नाम भी उसको यही दिया,
और नाम उनका था जुहैल, ये हुजूर के सहाबी हैं। अच्छा, सहाबा पाक की अजमत देखिए कि ऐन मुश्किल वक्त में ऐसा नहीं होता था कि वो थके थके लगे, बासी बासी लगे, या रात ज्यादा गुजर गई और जिगराता आ गया तो चेहरे उतर जाएं। उस वक्त सहाबा हमेशा तरोताजा रहते। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हो तो तबस्सुम अपने चेहरे से दूर ना करो। बल्कि मुझे हदीस याद आ गई, रहमतियाल की हदीस का मतन और तिरमजी ने इसको रिवायत किया, फरमाया कि तबस्सुमों का फी वजह अखी का सदकतुन, अपने भाई को देख के मुस्करा देना ये भी सदका है। अपने भाई का चेहरा देखना और चेहरा देख के मुस्करा देना, मेरे हुजूर अम्मा ये सदका सदका है। मेरे दोस्त हुजूर ने मुस्कराहटों के साथ जिंदगी के बोझ हल्के कर दिए, और सहाबा जो है वो मुश्किल से मुश्किल काम पर जिस वक्त हाथ डालते तो उनके चेहरे पर थकान या बासी पन न होता। बासी क्यों होते? यहाँ 1400 साल बाद जिक्र मुस्तफा हो तो चेहरों पे ताजगी आ जाती है, वहां तो आफ्ताब नबुव्वत खुद नजर आ रहा था। हुजूर के हुस्न के प्यासों का आलम क्या होगा, और वो किस तरह हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की जात को देखते होंगे। उन्हें कहा, चलो दिल लगी करते हैं, ताकि खंदक खुद रही है, मट्टी निकल रही है, और दिल लगी करेंगे जरा बोझ हल्का हो जाएगा। तो वो जो आगे छोटे कद का मट्टी निकाल रहा था उसका नाम था जुहैल, और जुहैल का लोहरी मानो था छोटा बिजू, छोटा बिजू। अब हमारे कश्मीर की जबान में और हमारी हजारे की जमीन में उसको बोलते हैं गोरकश। ये जो वो जो कब्र से जाए वो मुर्दों को निकालती है उसको गोरकश भी कह देते हैं, उसको बिजू भी कह देते हैं। तो ये जुहैल का लुगवी माना एक मक्कार भी होता है और एक माना छोटा बिजू भी होता है। अब जैसा को तेज मट्टी निकालने लगे तो सियावा ने कहा, दिल लगी करते हैं और इनको कहते हैं या जुहैल। इसका मतलब है छोटे बिजू कैसी तेजी के साथ तो खंदक को खोदे खोदे जा रहा है। तो जिस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सहाबा मजाक करने लगे हैं, लेकिन उनका मजाक और खुश तभी जो है वो एक शख्स की हकारत में ना बदल जाए और उसका दिल ना टूट जाए। जिस वक्त दिल टूटा करते हैं तो हाथों में सतत जमा के नाजक आग भीने टूट जाए तो कुव्वत अमल खत्म हो जाती है। मेरे मुस्तफा ने कहा, कहीं ये मजाक हो जाए तो मेरे एक सहाबी की कुव्वत अमल ना कम हो जाए। तो मट्टी निकाले जा रहा है। अगर आपको कोई बंदा पूछे क्या हुजूर के जमाने में रहमत आलम के जमाने में ये मिल के नाते कभी पढ़ी गई हैं या नहीं कोर्स टाइप में, तो मैं आपको जवाब देता हूं कि न सिर्फ मिल के पढ़ी गई हैं बल्कि हुजूर ने भी साथ पढ़ी, बल्कि रहमत आलम ने भी खुद साथ पढ़ी है और कब्जों में लफ्ज मिलाए हैं। तो माला ताज दारे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्जों में लफ्ज मिलाए हैं। अच्छा, सहाबा पाक ने जिस वक्त देखा हुजूर ने कहा, मैं इसका नाम बदलता हूँ। हुजूर ने जुहैल का नाम बदला और नाम बदल करके कहा, मैं इसका नाम रखता हूँ अम्र। हुजूर ने उसका नाम अम्र रखा। आज सहाबा अरब थे, उनका जज्बा था, उन्होंने ये शेर तरन्नुम से पढ़ा, ऐ काश के तरन्नुम की कुछ दौलत मुझे भी मिलती तो मैं आपके नाम सौती लहजों में ये शेर लाता, लेकिन मेरे लफ्जों को मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो देंगे। अरबी का शेर यूं है, बोले का सम्माहो मिम बाद जुहैल अमरा, सम्माहो मिम बाद जुहैल अमरा अमरा। तो जिस वक्त सहाबा पढ़ते ना कि सम्माहु मिन बाद जुहैल अमरा तो हुजूर भी साथ कहते अमरा अमरा। बाकी सारे सहाबा मिल करके ये पढ़ते सम्माहु मिन बाद जुहैल अमरा तो हुजूर कहते अमरा। अगला अगला मिसरा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वकान लिल बाइस यौमन ज़हरा।
तो मुस्तफा जिस तक बाकी सारे यहाँ पहुँच देना तो कहते हो जाते। इसका मतलब ये है कि छोटे बड़ों के साथ हो जाए तो छोटों की बड़ी खुशकिस्मती, लेकिन जिस वक्त बड़ा अपने जज्बों को जज्बों में मिला दे तो उसकी बड़ी का आलम कितना है। मेरे दोस्त रहमत आलम ने तो कहा जो कहा, लेकिन मैं कहता हूँ वो जुहैल का अमर सिहाबी कितना अजीम था जिनकी अजमत के गीत मोहम्मद अरबी ने अपनी जबान से अदा किए हैं। अगर ऐसा कायज, अगर ऐसा रिफार्मर, अगर ऐसा मोशन, अगर इंसानियत का ऐसा निजात दहिंदा मिल जाए तो मुसलमानों ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत है कि हुजूर की अकाइयत अल्लाह ताला ने तुम्हारे बख्त में कर दी है। मैं कहता हूँ एक बार रबीउल अव्वल जस्टिस नजीर ने हाई कोर्ट में एक फैसला लिखते हुए क्या खूबसूरत लफ्ज कहे थे। किसी शख्स ने मुकदमा ये दायर किया था कि ये मिलाद मनाना क्या बेदक नहीं है, तो जस्टिस नजीर ने फैसला लिख के कलम तोड़ा। और ये वैसे भी ये पक्के पक्के जजों की आदत है कि जिस वक्त आम फैसला लिखें तो वो कलम तोड़ देते हैं, तो उसने कलम तोड़ा। उन्होंने लिखा आप मुझसे पूछते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाना क्या ये शिर्क तो नहीं। मैं कहता हूँ सारे जहां में हर जगह चप्पा चप्पा पर हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर, लहजों के अंदर, घड़ियों के अंदर, एक रबीउल अव्वल नहीं जमाने की एक एक घड़ी में मोहम्मद का मिलाद मनाया जाए तो मुस्तफा के मिलाद का हक फिर भी अदा नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने का हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। तो रहमत आलम लोगों को सीने से लगाते, गिरे हुओं को हुजूर उठाते, रहमत आलम लोगों को हकारत से बचाते, नबी पाक सल्लम पीठों पर हाथ रखते, बेवाओं और यतीमों और जरूरतमंदों के सर पर रहमतुल लिल आलमीन का छापा रखते। यही वजह है कि इंसानियत को जो पनाह है रहमत आलम की दहलीज पर मिली है उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाहू अकबर। इसी तरह मैं एक और बात सुनाऊं आपको हुजूर की हदीस की, इसको भी गौर से सुने। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का क्या तरीका था, देखिए मैं भी तबलीग करता हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम सब लोगों को सच्चाइयों की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह मेरे चमन को और आबादी बख्शे। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतों को जिस वक्त मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो रहमतुल आलमीन उनको बनाया किसी कलम में ताब नहीं कि वो नाते मोहम्मद का हक अदा करे, और किसी जबान में तबाही नहीं अगर वो कियामत तक भी चलती रहे तो मुस्तफा के जमाल और हुसन के गोशे का हक भी अदा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने इतने बड़े और अजीम रसूल और कायद हमें अदा किए हैं। एक मौका पर देखिए अपनी बीवियां, हुजूर की आदत ये थी कि असर की नमाज के बाद मोहल्ले के अंदर कोई बीमार होता तो हुजूर उसको देखने जाते थे। बीमारों की बीमार कुर्सी, मिलाद के मौका पर ये जो ह्यूमन कैरेक्टर है इसको भी सीखे और तलाश करे हुजूर के उस वासे। रहमत आलम जनाजे पढ़ते खुद जाकर, अगर कोई मकरूज होता तो उसके कर्जे अदा करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों के सर पर जाकर शफकत का हाथ रखते और हुजूर रहमतें मांगते। अकमाला तायदार नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बीमार ना होता मदीने में तो अज़वाजे मुतहरात जितनी थी हर एक के हुजरे में जाते बार बार, एक एक मिनट, दो दो मिनट, कहते हैं क्या हाल है आपके, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई चीज जरूरत तो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे हुजरे में गए क्या हाल है, कोई काम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है जी, कोई तकलीफ नहीं, कोई चीज तो नहीं चाहिए, नहीं, अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरे हुजरे में तशरीफ ले जाते, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। और एक दिन
हजरत जैनब के घर बैठे तो उन्होंने शहद पेश किया, दिल चाहता था कि ज्यादा देर हुजूर गुजारे, तो आपने शहद चाटा तो दो चार मिनट भर गए। तो हजरत हफ्सा के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपके मुंह से मगाफीर की कुछ खुशबू आ रही है। सीरत ने कहा तो लिखते हैं बदबू आ रही है, लेकिन हुजूर के मुंह से जो आए उसको बदबू नहीं कह सकता, खुशबू आ रही है। मैंने कहा आपके मुंह से मगाफीर की जो है वो खुशबू आ रही है। हजरत उमर मोमिनीन आयशा सिद्दीका के यहाँ गए तो उन्होंने भी यही कहा, और अहमद यान के दिल पर थोड़ा बोझ आया कि ये क्यों कहा गया। अच्छा, आज इस वक्त फिर हजरत हफ्सा के पास गए तो वहां हजरत शिफा बैठी थी, शिफा बिनते अब्दुल्ला। मुसलमानों मेरी बात गौर से सुनो, ये वह औरत है कि जिसने मदीना में ख्वातीन को तालीम दी थी और उनको लिखना और पढ़ना सिखाया था। आज मिलाद के मौके पर अपने अजीम रसूल और आका को याद करिए कि आज यूनिवर्सिटियों में बैठने वाले इल्म का चर्चा करते हैं और कहते हैं कि नॉलेज इंफॉर्मेशन जिस पर पूरी कायनात तबलीग तारीखियों में डूबी हुई थी, मुस्तफा का कुरान एक तरह से शुरू हो रहा था और नूर वल करम मुस्तफा करम की अहमियत बयान कर रहे थे कि करम क्या है और पढ़ना क्या है। इस शिफा नामी औरत ने मदीना की खवातीन को लिखना पढ़ना सिखाया था। आइए, मुस्तफा ने दिलचस्प बात की। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शिफा, ये जो हफ्सा है ना, इसको रकीयतुन नमला सिखाएं, जैसे पढ़ना लिखना सिखाया है। ये हमारे जो सीरत निगार है बस सिर्फ इतना लिखा है, इससे आगे वो समझ ना सके इस हदीस को, कि रहमत आलम ने कहा कि इस हफ्सा को रकीयतुन नमला सिखाएं। रकीयतुन नमला का लुगवी माना क्या होता है कि चींटी काट जाए तो जो दम डालते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये चींटी काटने का दम जो है वो इसको सिखाएं। इसका मतलब ये है हुजूर के जमाने में छूछा थी, दम डाले भी जाते थे, दम डलवाए भी जाते थे। हाँ, अगर शिरकिया कोई कलमा हो, कोई गलत बात हो, अगर दम और मंत्र में आ जाए तो ला यजूज, लेकिन जब कलाम में खुदा हो तो कलाम खुदा का हो और थूक मारी जाए तो सुन्नत मुस्तफा की बन जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम ने खुद कहा कि इनको रकीयतुन नमला से कहो। अब आओ, चींटी काटने से तो कोई दर्द होता ही नहीं। अब मैं बताऊं ये रकीयतुन नमला क्या है। आपका कैमरा कैच कर रहा है, मेरी बात को महफूज कीजिए और मैं आपके नाम करने लगा हूं। असल बात यह है कि ये एक स्टोरी थी उस वक्त के अदब की कहानी, जिस तरह ये कश्मीर के लोग, आप जो बुढ़े बुढ़े बंदे हैं वो मेरी बात समझेंगे। हम जिस वक्त छोटे छोटे होते थे तो कश्मीर में हमारे बच्चों को माए और अबे मसरूफ करने के लिए कहानी सुनाते थे, हेक था बादशाह और करता था ये और ये करता था और वो करता था। बीच में लफ्ज थोड़े नामुनासिब से थे तो मैंने कहा मेरी जबान के साथ जचते नहीं है, तो मैंने उनको बीच में से काट दिया। या आप अपने बच्चों को याद कराते हैं ट्विंकल ट्विंकल ये हाँ जी ये याद करा देते हैं, और या तितली रस किस तरह निकालती है। ये छोटे छोटे हर अदब के अंदर जुमले हैं, कहानियां हैं जो मशहूर होती हैं। दरअसल उस वक्त के अदब में माएं अपने बच्चों को ये रकीयतुन नमला सुनाती थी, और इसका माना क्या था। अब वो था गाना बन गया, गाना ये था कि दुल्हन जिस वक्त बन जाती, और दुल्हन जिस वक्त बन जाती तो सारी औरतें उस जमाने में इकट्ठी होती, और अरबी जमा केवल अल्फाज का माना आपके नजर, वो सारी मिलके दुल्हन को मुखातिब करके कहती थी कि माथे पे बिंदिया और हाथ पे मेहंदी, आंख में काजल, कपड़ों पे रंग, बनी है बिटिया हमारी दुल्हन, बनी है बिटिया हमारी दुल्हन, बिटिया बिटिया। खामिन की कभी नाफरमानी ना करना, ना करना, ना करना। फिर मुस्तफा ने कहा शिफा जरा वो सुनाना इनको, वो जो अरब की लड़कियां बनती हैं, ताकि इनको भी पता चले
इस बस्ती में है, हमारे गांव के जो औरतें सुनती हैं बेचारी, उनके नाम भी कोई पैगाम इस फकीर फकीर का हो जाए। पहले मैंने अर्ज की कि रहमत आलम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सबसे अच्छा मोमिन कौन है? फरमाया सबसे अच्छा मोमिन वो है जो अपनी आलिया से अच्छा है। और इधर मुस्तफा ने नाजर इनको सुनाओ ना, ताकि पता करे कि इस्लाम के अंदर या इस्लाम जो कल्चर और सिविलाइजेशन देता है उसमें औरत का मकाम क्या है, मर्द का मकाम मकाम क्या है। अगर मेरी बात को अगर बुरा न मना हो तो तुम्हारी तहजीब में औरत के कपड़े नोच के उसको नंगा करती है, और मोहम्मद की तहजीब उसको शर्म हया देकर उस पर चादर रहमत डालती है। जमीन आसमान का फर्क है। और आज इस मिलाद के मौका पर मैं ये भी सुना हूं कि धीमे धीमे अंदाज से रहमत आलम सलम अंदर की दुनिया को बदल देते थे। मुझे बताइए कि अंदाजे ये भी तो हो सकता है बीवी को, अगर तूने ये काम ना किया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बल्कि इस अंदाज की एक मिसाल हदीस से मैं आपके सामने भी ले आऊं, जिस वक्त हुजूर बीवियों से थोड़े नाराज हो गए तो हजरत उमर ने आके यही कहा था ना, या रसूलल्लाह मक्का में जब हम होते थे तो हमारी औरतें जो है वो अगर कोई गड़बड़ कर दे तो आपने इस तरह मुक्का बनाया और आप कहते हम इनकी गर्दनों पर ऐसे मारते थे और इनको ठीक कर देते थे, लेकिन हमारी औरतें मदीने में आई हैं, आपकी तबीयत ऐसे हुई है कि हुजूर अब ये कहती जाती है और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे मुस्तफा ने कहा शीशे के ये टुकड़े हैं, ख्याल किया करो कि कहीं शीशे के टुकड़े टूट ही न जाए। अरबी सल्लल्लाहु ने गोया हकू के निस्वानियत जो है वो बयान किए। लेकिन मैं अर्ज करूं क्या खावन बीवी को ये नहीं कह सकता कि ये काम करना खावन की ताकत का, लेकिन मुस्तफा ने डायरेक्ट ना कहा कि कहीं दिल ना टूट जाए। उन्हें कहा शिफा जरा उसको सुना ना, माइया क्या है वो, माइया क्या है जरा इनको सुना ना, जरा जरा दूसरे की जरिए पैगाम और मैसेज का अदा करना और बात का पहुंचा देना। जो मुस्तफा अपने घर में बसने वालों के साथ इतना हकीमाना बर्ताव करते थे, मेरे मुस्तफा का मदनी सोसाइटी के अंदर आम लोगों के साथ सलूक क्या होगा। एक शख्स आकम वाला, आपको वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, खासा वक्त गुजर चुका है और मैं तो ऐसे लगा है जैसे मैं अभी ताजा हो गया हूँ। लोगों की थकावट सो के दूर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह फकीरों की थकावट हुजूर की बातें करके दूर होती है। नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त आले सदफ आए, जिस वक्त आले सदफ हुजूर के पास आए तो चुपके से जैसे वो शख्स आए और आकर के कोने में बैठ जाए और थे ज्यादा, उन्होंने कोई सलाम न किया, कुछ न किया, आके बैठ गए तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज मारी, आवाज मार के कहा कि हल अंतुम मिनल मुस्लिमीन, हो आने वालों क्या तुम मुसलमान हो? उन्हें कहा नाम या रसूल अल्लाह नखनु मिनल खुद्दाम, हुजूर हम नौकरों में से हैं, हम मुसलमान हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर अस्सलामु अलैकुम क्यों नहीं कहा, अस्सलामु अलैकुम क्यों नहीं कहा? वो उधर इसे खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पर करीमाना शफकत देखे हुजूर की, हुजूर बैठे हैं और हुजूर वालेकुम सलाम इधर भी कह सकते थे, लेकिन पढ़ा सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, हदीस में है फकाम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद का वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप समझे नहीं, मैं आपको समझाऊं, अगर मेरा कोई मुरीद हो ना और मैं वो मेरे घर आए तो मैं अगर उठ के दरवाजे पर आ जाऊं और कहूं जी आया नू पश्तो, मैं कहूं हर कलर आशा, और मैं कहूं जी
हर कभी आओ। अगर मैं ये लफ्ज अपनी जबान से उसके लिए अदा कर दूं तो एक मुरीद का दिल कितना खुश होगा, मेरा यार पीर है, उसने मुझे कितनी इज्जत दी है, मुझे कितना इफ्तिखार दिया है। अगर मैं उसको सीने से लगा हूं, मेरे दोस्त, और फिर आकाए कायना उन गुलामों का बात क्या था कि जिन मुस्तफा के लिए दरख्तों की शाखें झूम झूम करके मुस्तफा पर सलाम पढ़े और मीलाद की रात हो तो बीबी बाप कहे कि मैंने देखा कि आसमान के सितारे मेरे तर से करीब हो गए हैं। और ये इस बात का ऐलान था कि जमीन वालों आप रोशनी के लिए हमें ना देखो, रोशनी का मर्जा मोहम्मद अरबी तुम्हारे पास आ गए हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ गए हैं। अगर किसी गुलाम के लिए हुजूर खड़े हो और काम आ, इसका मतलब यह है ये मसला तो खत्म हो गया कि ये किसी के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। जी अगर बड़ा छोटे के लिए खड़ा हो जाए तो छोटा बड़े के लिए खड़ा हो जाए तो क्या हरज। मेरे मुस्तफा ने कहा वालेकुम सलाम। अच्छा अब मैं रजहते कह करा से काम लू, यानी बैक अपने लफ्जों को समेटू। और हदीस तो मैंने शुरू की अभी, इसमें 10 कवानीन है हुजूर के उस वाके, मैं किसी और वाका पर यह हदीस बयान करूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं इसको भी सुनिए कि यकीन जाने के मैं एक छोटा सा पीर हूं, बहुत छोटा आजस भी हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर कोई थोड़ा सा भी कोई मुरीद शागिर्द मुक्तदी इमाम के लिए लहजा मैला करे तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसके बारे में क्या करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बात आपको मैं बताता हूं। और आज खुसूसन नौजवान मेरी बात को गौर से सुने, उम्मत मुस्लिमा जिस चीज को आज खो चुकी है वो टॉलरेंस है, अपने नफ्स पर गिरफ्त है। किसी ने दावत गुनाह भी बैगे, किसी ने बदनाम दी के लिए कौन भी कैरेक्टर भूल गए। और माँ बाप को माँ बाप है, आजकल मैं तुम्हारे ला को कुछ नहीं कहता इसलिए कि तुम वीजा देना छोड़ दोगे, वरना मैं आपको बता हूं कि तुम्हारे पास पुलिस बहुत सस्ती है कि अगर अब्बा और अम्मी भी कोई थोड़ा सा छिकन डाल ले माथे पे तो जी इस तहजीब को हम कहते कुछ नहीं, लेकिन हम अपने तमद्दुन की बात तो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू हवाज़न कबाइल की तरफ तवज्जो दी और एक लश्करे जरा रहमत आलम की क़यादत में तैयार हो गया। और जिस वक्त वो पहाड़ी दर्रे में पहुंचे, उस पहाड़ी दर्रे को भी इस फकीर ने अपनी आंखों से देखा है। और मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूं और वहां मैंने और सारा मंजर अपनी आंखों के सामने लाया है क्या हुआ होगा। जिस वक्त दरमियान में दो पहाड़ों के दरमियान जिस वक्त ये लश्कर पहुंचा, हुजूर अपने घोड़े पर है, सवारी पर है, और जिस वक्त तीर अंदाज तीर फेंकते हैं और इतने तेज तीर के जैसे बारिश बरस रही है, और मुसलमानों का जमघटा थोड़ी देर के लिए बिखर जाता है और हुजूर के साथ चंद लोग, एक रिवायत में 4, एक में 5, एक में 6, एक में 7, एक में 11, एक में 13, इतने आदमी रह गए हुजूर के साथ। तो रहमत आलम ने यह कहा अने नबी ला कज़िब अने मुहाक्किल मुक्तलिब, मैं नबी हूं, मैं झूठा थोड़ा ही हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। इसका मतलब है बात खत्म। अब्दुल मुत्तलिब अगर काफिर मुशरिक होते तो हुजूर क्यों कहते हैं उनका बेटा हूं। माना यह है हुजूर का दादा भी तो
तौहीद वाला, परदादा भी तौहीद वाला। रसूल ने कहा मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में आया हूँ। आका मौला था दारे नबूवत ने तो अपना मिलाद खुद बता दिया कि मेरा बाप कौन, मेरी जद कौन। बल्कि हुजूर हर सोमवार को रोजा रखते हैं, और कोई पूछता हुजूर हर सोमवार को रोजा क्यों रख रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं ये मेरी विलादत का दिन है, मैं कहूंगा कि ये सेलिब्रेशन ऑफ ईद ए मीलाद, इससे बड़ा और हमारा क्या हो सकता है कि रहमत के आलम ने अपनी विलादत खुद मनाई। बल्कि मैं आपको बुखारी की हदीस बताऊं कि जिस वक्त फातिमा ज़हरा पैदा हुई थी तो हुजूर ने उनके विलादत के मौका पर जो दावत की थी, तारीख में आता है कि मक्का की तारीख में इतनी बड़ी दावत कोई नहीं हुई थी। हजरत फातिमा की खुशी हुजूर ने मनाई। अगर बेटी की खुशी मनाई जाती है तो बेटी को इज्जत जिस बाप की वजह से मिली, क्या मोहम्मद अरबी की मीलाद की खुशियां नहीं मनाई जा सकती? मुसलमान आलम अपने अफकार को पाकिजा रखो। हुजूर जिस वक्त आप पहुंचे आने का आनंद अभी आने ये अल्फाज कहे, और हजरत अब्बास की यही आवाज और गूंजदार आवाज और पाकदार आवाज जिसमें गूंजी तो बिखरे हुए लोग फिर जमा हुए। आओ मैं बताता हूं जिस बात के लिए मैंने ये वाक्य सुनाया। माल गनीमत तकसीम होने लगा, फतह हो गई, तो बताए जैसा माल गनीमत तकसीम हुआ, आई वुड लाइक टू बेग योर अटेंशन, ये हदीस जो है इसकी तरफ तवज्जो दें कि हुजूर जिस वक्त माल गनीमत तकसीम करने लगे तो वहां के जो बद्दू थे एराबी जो भाग गए थे, हदीस में आता है वो हुजूर से छीनने लगे, कोई चीखता ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, दूसरे का ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और रहमत आलम को पीछे धकेलते चले गए और हुजूर पीछे हटते गए, पीछे हटते गए, यहां तक साथ तकसीम भी कर रहे हैं और वो साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मिलाद की मिठाई भी बटे, कोई दो बच्चे बोलने लग जाए तो बुजुर्ग जो रूई के पंबे तोहफे में उनकी तरफ फेंकते हैं, वो आप जानते ही है। लेकिन ये आका इनामदार है कि वो छीने जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, हुजूर दिए जा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, और करते 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 पीछे कीकर का एक दरख्त, मेरे मुस्तफा करीम कीकर के दरख्त के साथ लग गए जाकर, और आपकी चादर मुबारक जो है वो कीकर की शाखों से उलझ गई, और लेने वालों ने चादर भी जिस वक्त ले ली आपने सारा माल तकसीम कर दिया, तो तकसीम करने के बाद हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा वो अल्लाह के बंदो मेरी चादर तो मुझे दे दो, मेरी चादर तो दे दो। जहां पहुंचकर नामा बद्रुद्दीन ऐली लिखता है कि ये किसी बादशाह का सब्र नहीं है, ये उस हस्ती का सब्र है जिसके इशारे से माह का कलेजा चिर गया, जिसने आफ्ताब को लुगाम डाल दी और जिसने कंकरों को जुबान अदा कर दी। मोहम्मद अरबी ने कहा अगर सब्र देखना हो तो उस मोहम्मद अरबी का देख लो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जहां के दार शफाफ सीरत और उजले और मुजल्ला उस्वाए हसना और किताबुल्लाह और अपने एजाज निगाही से इंसानियत की तकदीर तब्दील कर दी और बशरियत की तकदीर तब्दील कर दी। आज मुसलमानों इस मिलाद के मौका पर तुम्हारे नाम, नौजवानों के नाम, मेरा एक छोटा सा दर्स, मैं तुम्हारी जमात का नौकर खादिम के, गैरत और हमियत भी बड़ी चीज है। आप अपनी नस्लों, अपनी जनरेशन, अपने घर बार, अपनी फैमिलीज और अपनी जरा, इन सब के रुख ठीक करो, इन सब के रुख ठीक करो और हुजूर की तरफ तवज्जो दो। मैं कसम करता हूं उस खुदा की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है, मेरे हुजूर दुनिया में अपना नाम लेने वालों का एहसान चुकाते हैं,
कोई बंदा खाली नहीं रहता, कोई बंदा तही दामन नहीं रहता। तो अपनी जिंदगियों को खराब न करो, अपने नफूस को मैला न करो। मीराज के मौके पर मेरा पैगाम, रोज दरूद शरीफ पढ़ा करो हुजूर का, रोज दरूद शरीफ पढ़ा करो। दरूद शरीफ पढ़ने का फैजान, मैं तो आजर मस्किन गुनागार आदमी हूं, लेकिन सन 92 से अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की एक मंजिल नसीब की। तो सब पहले भी पढ़ता था, लेकिन एक खास मंजिल अल्लाह ने नसीब की। तो मैं हार्ट अटैक हुआ, मेरे मोरों में गैप आया, मैं शुगर का मरीज हूं। और यकीन जाने के जब कोई बीमारी आती है, मदीने वाले साहब दवाई भी भेज देते, और हुक्म होता है कि चलते जाओ बढ़ते जाओ। लेकिन इंसान मौत से बच नहीं सकता, जब तकदीर आएगी तो हम सब ने लबैक कहना है। मैं आपसे इसका बाद इम्कान तो नहीं था मुलाकात का, अमेरिका जा रहा था, तो वहां अचानक वहां के कैपिटल हिल में प्रोग्राम मिलाद करता, उसका शेड्यूल बदला, तो मुझे दो चार दिन यहाँ इंग्लैंड में मिल गए, तो मैं रुक गया। मेरा एक दर्द है, मैं आपके नाम, मैं चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, मैं कोई पैसा नहीं मांगता आपसे, मांगने की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह ना करे कि, अल्लाह करे कि जो खुद ही सलामत रहे, जो अल्लाह ताला ने हुजूर के सदके दिए। तो मैं आपके नाम सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, खुसूसन अपने मुल्क में वहां की तालीमी हालत अच्छी करने के लिए बेशतर इसके कि सिर्फ एक इंग्लैंड के लोग हो, जिन्हें समझा जाता है कि दुनिया भर में दीन के फाइनेंसर होते हैं, खाए महफिल मिलाद हो, खाए मदरसे हो, खाए जो भी हो। तो अजीजान मोहतरम, दुनिया के शिकंजे टाइट होते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मुश्किलें हमारे सामने सहरा बनकर के आ रही हैं। तो वक्त आने से पहले अपनी फैमिली, अपने इलाकों के बच्चों, खुसूसन सुन्नी बच्चों के लिए तालीम की तरफ तवज्जो दो, छोटे बच्चों की तरफ तवज्जो दो, इसलिए कि अकीदा छोटी उम्र में बनता है। 7-8 साल तक बंदा जो बनना होता है बन जाता है, उसके बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। रोज दुरूद शरीफ पढ़ो। हमारा तो अकीदा है को बंदा या पीर कहे, मुझे मेरा मुरीद उसका दिन कहता था कि पीर जी हम जिस वक्त कहते हैं या पीर आपको पता चलता है, तो मैंने उनको कहा कि गल सुन है ये तो तुझे नहीं बताऊंगा, मुझे पता चलता है या नहीं चलता। लेकिन पीरी का एक नुकता ऐसा है कि अगर आप ना भी कहें, दिल में सोच लें, तो वहां पता चल जाता है। कह लगे वो क्या जगह जी, मैंने कहा मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्शिद कायनात है वो, मालूम है कायनात है। तो जिस वक्त तुम दुरूद शरीफ पढ़ोगे ना, तो हुजूर की खास नजर तुम्हारी तरफ हो, खास तवज्जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुजूर की हुजूरी मिल जाए, और क्या चाहिए। तो इस मिलाद शरीफ के मौके पर मैं आपको इस फंक्शन की मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह ताला मेरे टूटे फूटे कलिमात को अपनी जनाब में कबूल फरमा ले। आपके लिए दुआ भी करूंगा कि मुहम्मद से वफात हो ले तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, वाकिर दावाना। बज़्मे हिदायत पे लागू
समात की तारीफ करते हुए या सुल्ला तोड़े कन्ना दी मेरे जैसा कजमा जुबान की तारीफ कर सकता है। वस्फे गोश नबी और मैं
सज मजजूबा है सुजूद अल-कमर असर माओ जिनकी शाम और जिन पे कुर्बान हुस्ने समात की जा। और आला हज़रत फरमाते कि दूरो नजदीक के सुनने अल्लाह अल्लाह निस्बत शाहो गदा मेरे आका तू सखी तेरा सखी दरबार है गर हो करम वहदत के फूल ये सलाम हम सब का माबूद है हम सब की मुराद है हम सब का मतलूब है हम सब का मकसूद है हमें पैदा तूने किया है बदनों में जिंदगी की लहर तूने दौड़ाई है रिज़्क देने वाला तू है बीमारियों से शिफा देने वाला तू है
मुश्किलों को हल करने वाला तू है, हाजतों को पूरा करने वाला तू है। हमसे पहले जो थे उन पर भी तेरे एहसानात, हम पर भी एहसानात, तुम्हारे बाद वालों पर भी एहसानात। तू कदीमुल एहसान जो है, तू कदीमुल एहसान, तू कदीमुल एहसान है मेरे मौला। जो आजिज मस्कीन शख्स दुआ में तेरे सामने मुसलमानों की जमात की दुआओं और तलब लेकर हाजिर हुआ है, उसे अपनी मस्कनत और अपने छोटा होने गुनागार होने का इतराफ है। तो मेरे मौला, मेरे मौला करम कर दे, मेरे मौला करम कर दे, इनायत का दरवाजा खोल दे और रहमत का दरीचा वह कर दे। मेरे साथ जो दुआ में शरीक हैं, तो टूटा हुआ दिल रखने वाला कोई तेरा महबूब है, उसकी आमीन की वजह से हम सब की दुआओं को कबूल कर लिया। मेरे वाला, हम सब निस्बतें रखने वाले हैं, किसी की पीठ पर गौसे आजम का हाथ है, कोई गरीब नवाज के कदमों में बैठने वाला है, कोई शहनशाह नक्श नक्श बंग का गुलाम, कोई हजरत बाउलक तकरिया मुल्तानी का नौकर, कोई हुसैन पाक के नाम की माला झपके, कोई हैदर करार की मोहब्बत हूँ दौलत से माला माल है। मेरे वाला करम कर, मेरे वाला करम कर, अब दुआ सिर्फ तमाशा न बने, मेरे वाला इनकी जोलियां भी भर दे, मेरे वाला इनकी जोलियां को भर दे। फताए मक्का के वक्त जिस आका की झुकी थी गर्दन और पालान के साथ लग रही थी, हुजूर की उस मुबारक अदा के सदके मेरे वाला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तेरे महबूब की नूर चश्म में बीबी था, जब चक्की पीसते हुए तेरा नाम ले दी थी, बीबी पाक के मुकद्दस हाथों की तुफैल आज हमारी दुआओं को भी कबूल कर ले। मेरे वाला करीम, ये मेरे सामने जो बैठे हैं, ये कोई मेरे मुरीद थोड़े ही हैं, ना ही मैंने कोई दावा लेके तुझसे मांगने लगा, मेरी बंदगी लेकर आजिज़ी लेकर तेरे कचहरी में आया हूँ। ये भी आए हैं मेरे वाला, बड़ी मोहब्बतें लेके, किसी ने कुरान पढ़ा है, किसी ने तस्बीह की है, किसी ने तालीफ की है, किसी ने बाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े हैं, किसी ने नातें गुनगुनाई, बूढ़े बूढ़े लोग घुटनों टखनों का दर्द रखने वाले तेरे महबूब की मिलाद की खुशी में बैठे रहे देर तक, माएँ बहनें बच्चियां बैठी रही हैं। मेरे मौला, सब तलब कसक और मोहब्बत लेके बैठे हैं। मेरे मौला करम करना, मिलाद के और नूरानी तड़के तड़के नूर वाली घड़ियों के तो फैलाज सब की हाजतें पूरी फरमा दे, या अल्लाह सब की हाजतें पूरी फरमा दे, या अल्लाह सब की हाजतें पूरी कर दे, अल्लाह दिलों के संग दूर कर दे,
या अल्लाह नफ्सों का मैल दूर कर मेरे वाला ये सब सब के तो मुझे नाम नहीं आते मेरे वाला तू तो इनकी शहरत से भी नजदीक है जिसके दिल में जो भी दुआ है अपनी जनाब कबूल हो मेरे वाला जिसके दिल में जो भी दुआ है उसको अपनी जनाब कबूल फरमा ले मेरे मौला मेरे वाला करीम मैं आज बस्किल के ईमानों का गवाह हूँ मेरे वाला हुजूर की कचहरी में मैं कहूँगा तेरे बाबू के साथ प्यार करने वाले मेरे साथ दुआ में शरीक थे हुजूर कबूल फरमा ले हुजूर अपने नौकरों को कबूल कर ले हुजूर अपने गुलामों को कबूल कर ले हुजूर अपने आका हुजूर अपने मोहब्बत करने वाले गुलामों को कबूल कर ले कोई पता नहीं यार किसका यहाँ से उठे और आखिरी वक्त आ जाए दुआ करो अल्लाह खात्मा ईमान के साथ अल्लाह करीम खात्मा ईमान के साथ अल्लाह खात्मा ईमान के साथ मेरे वाला मैं आजन मस्किन मेरे पास वो कुछ भी नहीं है तेरा बीवी पाक की नस्बत है उस अहम और असल की नस्बत है मेरे वाला मैं इनके लिए दुआ करता हूँ मेरे वाला क़यामत के दिन हुज़ूर के कदमों से उठाना मेरे वाला हुज़ूर के कदमों से उठाना वाले करीम वाले करीम मेरे वाले करीम अपनी बंदगी दे दे अपना जिक्र दे दे शुक्र दे दे अल्लाह तआला को गुलामी दे दे नौजवान नौजवान लोग मेरे वाला इनको पाकीदा जवानियाँ अता कर दे वाला ये जिस्म में थे जिससे जो गुनाह भी हो गया माफ कर दे तेरे वाला रियाकारी ने हमें लूट लिया है तेरे रियाकारी को दूर कर दे तसन्नो ने हमें खराब कर दिया है मेरे वाला तसन्नो से बचा ले मेरे वाला ये यहाँ से उठ के जाए तो इनको अपने बाबू का पक्का गुलाम बना देना हर एक हर रोज तेरे बाबू सल्लम पर दरूद व सलाम कहे तेरा जिक्र करे इस्लाम के नौकर बन जाए कुरान की मिशन से पेशाबे नूर करने वाले बन जाए मिलाद शरीफ में जिस बहन ने हिस्सा लिया ऐसी दर्द बंद खवातीन इस्लामी माशरे को और भी अता कर ताकि ये सारी कायनात तेरे महबूब के जिक्र से भर जाए गली गली कूचे कूचे नगर नगर डगर डगर रवेश बा रवेश शुरू बरू तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम वर्दा हो जाए करीम हम सब को साहिब निस्बत कर दे दर्द मोहब्बत की दौलत दे दे दर्द मोहब्बत की दौलत दे दे दर्द मोहब्बत की दौलत दे दे अरे वाला मेरे सफ़ों के अंदर सुरियों में अच्छे जानदीदा इल्म वाले दर्द वाले लोग पैदा कर मेरे वाला सब के सीनों में मोहब्बत पैदा कर उलमा की जबानों में नूर रह ताकि जिधर जाए खंडर भी हुजूर के दीन के चमन बन जाए ऐ मेरे मौला तू अजवदुल्ला जवदीन भी है तू अकरमुल अकरमीन भी है तू अरहमुर राहिमीन भी है तू खदीमुल इहसान भी है तू कादियुल हाजात भी है तू राफिउद दरजात भी है तू हल्लुल मुश्किलात भी है तू दलीलुल मुतगय्यिरीन भी है तू अतम्मुल बुरहान भी है
अल्लाह करी नक्शबंदी चिश्ती सरवर्दी कादरी सब बुजुर्गों मशायख के दर्जों ने माफ़ फरमा उनकी तवज्जुहा से हमें नवाजे जिन बीमारों का गया है कोई हादसे में शिकार हुए दुआ करो अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमा मालों के कारोबार खराब है दुआ करो अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए पहले वाला हुजूर की हुजूरी नसीब कर दे काका की हुजूरी नसीब कर दे या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाए अपने गुलामों के दिल पर एक नजर डाल दे या सैयदी व या मौलाई व या मुर्शिद या सैयदी या रसूलल्लाह करम फरमाए हर एक को नजर से नवाजे जिसकी जो भी दुआ दिल में रखे सारे आमीन को अल्लाहुम्मा आमीन अला कुल दुआ अल्लाहुम्मा आमीन लिकुल दुआ अल्लाहुम्मा आमीन अला कुल दुआ اللهم استجب لكل مسكين اللهم استجب لكل سائل اللهم استجب لكل ملتمس اللہ کریم ارمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما حضور کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق دے دے پہلے والا خاص کر کے مدینہ شریف کی فضاؤں میں سانسیں نصیب فرما پہلے والا مدینہ شریف کی خاک پہلے والا ہماری آنکھوں کا سرما بنا دے ہماری آنکھوں کا سرما بنا دے دعا فرما اللہ محتاج کسی کا نہ کرے اللہ تعالیٰ محتاج کسی کا نہ کرنا جو بھی میرے ساتھ دعا میں شریف کے ساجد مسکین سمیت کسی کے دروازے پر نہ ڈالنا میرے والا کسی کے دروازے پر نہ ڈالنا ان سب کے گھروں کو رشک حرم بنا دے ان سب کے گھروں کو رشک حرم بنا دے ان کے ماں باپ دادوں سب کی مغفرت کر دے ان کی اولادوں کو صراط مستقیم نصیب کر دے ان کو بچوں اور بچیوں کے معاملے میں پرسکون کر دے میرے مولا دام معاشرت نصیب فرما دے حضور کی سنت کی غلامی نصیب فرما دے اسلام کے پرچم بلند فرما دے تہذیب اسلامی کا عروج فرما دے میرے مولا امن اور آشتی کی خیرات عطا کر دے میرے مولا امن کی خیرات عطا کر دے قاری صاحب کے لیے دعا فرمائے خصوصا اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی آپ لوگوں پر قائم رکھے جتنے علماء بیٹھے ہیں میرے والا ان سب کو فیض بار بھرا اس مسجد کی کمیٹی انتظامیہ بچے جوان جو مختلف تنظیموں کے کام کرتے ہیں سب کے لیے دعا کرو اللہ ان کو اور توانائی عطا فرما اے اللہ ان کو اور طاقت عطا فرما تاکہ تیرے دین مبین کے جھنڈوں کو بلند سے بلند کر سکیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيد يا غفار يا ربنا نبيل يا ذا الجلال والإكرام میں حاجل مسکین کو میلاد کی یہ گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نصیب کی ہیں یہاں دعا کی توفیق دی ہے اے اللہ جیسے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے ایک کرم اور کرم ہماری دعاؤں کو قبول بھی کر دے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اس محفل کو قبول کر اس کے نگاہ میں جس نے دائمی دل میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے اے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ والہ